Again, in class 10th physics, in the chapter light reflection and refraction. Okay, now in our previous video, we studied the topic refraction of light. Okay, and some natural phenomenon which is happened due to refraction of light. Okay, one important thing is that.

एंड सेकेंड वेन लाइट रे वेन रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल ठीक है यही कॉन्सेप्ट जो है वो रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब इसमें यूज़ होगा देखिए एक ग्लास स्लैब है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होती है ठीक है यहाँ से जो भी रेज आती है वो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया ठीक है हमने एक नॉर्मल यहाँ पे बनाया इस तरीके से तो ये नॉर्मल के साथ में एंगल आई जो है वो बना रहा है ठीक है इस रे को ऐसा सीधे सीधे आना था लेकिन यहाँ पर मीडियम चेंज हुआ है तो ये थोड़ी सी क्या हुई है बैंड हो गई है ऊपर रेयर मीडियम था नीचे डेंसर मीडियम था तो क्या होगा जब रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी फिर इधर हमने मान लिया कि यहाँ पर एंगल जो है वो क्या है ये आर वन है ठीक है रिफ्लेक्शन एंगल आर वन फिर इधर आई टू एंगल हमने माना और ये जब डेंसर से रेयर में आएगी तो इस नॉर्मल से ये यहाँ पर भी एक और नॉर्मल हमने ले लिया इंटरफेस पर तो ये इस नॉर्मल से दूर होती जाएगी सेकंड कंडीशन की जब भी रे डेंसर से रेयर में आती तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी इस तरीके से ठीक है तो देखिए ये लेटर शिफ्ट कितना हुआ इस तरीके से इतना ये वाला ये रे को ऐसे आना था लेकिन वो रे इस तरीके से बेंड होकर चली गई इस तरीके से ये यहाँ पर देखिए इस तरीके से ओके हीयर लाइट रे चेंजेज इट्स डायरेक्शन एट ओ एंड ओ डैश ओ एंड ओ डैश पे डायरेक्शन को क्या किया चेंज किया हुआ द पॉइंट एट द इंटरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडिया अब ये जो रे है ये रिफ्लेक्टेड रे है ये कौन सी रे है रिफ्लेक्टेड रे है और इस रे को हम क्या बोलते हैं इमरजेंट रे बोलते हैं कौन सी रे बोलते हैं इसको इमरजेंट इसने रिफ्लेक्टेड रे लिखा हुआ है लेकिन ये इमरजेंट रे होती है क्या होती है इमरजेंट रे होती है ठीक है एंगल आप देख लीजिए ये इंसिडेंस एंगल हो गया आई रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया ये भी रिफ्लेक्टेड एंगल है और ये एंगल ऑफ इमरजेंस इसको हम क्या बोलते हैं ई को एंगल ऑफ इमरजेंस क्या बोलते हैं इसको एंगल ऑफ इमरजेंस ओके एंगल ऑफ इमरजेंस देखिए, वेन लाइट रे ऑफ लाइट ए ओ पास थ्रू अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एट ओ On interface AB it will bend towards the normal at point O dash on the interface DC the light ray enter from denser medium to rare medium here light will bend away from the normal O O dash is a reflected ray OB is the emergent ray if the incident ray is extend extended to C we will observe that emergent ray O dash B is parallel to the incident ray the ray will slightly displaced laterally after रिफ्लेक्शन वही जो मैंने आपको चीज़ें सब समझाई है वही इसमें लिखी हुई है आप एज इट इज इसको नोट कर लेंगे वेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस इंटरफेस ऑफ टू मीडिया इट गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया इट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन क्या जैसे ये है ये ग्लास लेब है जब अभी रे इस तरीके से आई थी ये इस नॉर्मल के साथ में एंगल बना रही थी आई बना रही थी लेकिन अगर मान लीजिए ये रे बिल्कुल इस तरीके से नॉर्मली अगर आए या नॉर्मली इस तरीके से अगर आए ठीक है तो ये बिना डेविट हुए सीधे पास हो जाएगी डिफरेंट मीडियम ओके नाउ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो लॉ इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है वॉट इज़ द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आल लाइन इन द सेम प्लेन जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर भी वही है इंसिडेंट रे क्या है देखिए ये इंसिडेंट रे है इस नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट रे रिफ्लैक्टेड रे ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई एंड नॉर्मल ये नॉर्मल तीनों एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसफर मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइन द सेम प्लेन ये तीनों क्या कर रहे हैं सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं यहाँ पर देखिए द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉन्स्टेंट साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉन्टेंट ये इंपॉर्टेंट है इसको हम क्या बोलते हैं स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है स्टेट स्टेट स्नेल्स लॉ तो आपको बताना है देखिए यहाँ पर जो है ये डायग्राम इधर ठीक है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दोनों का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा मतलब आपको साइन लेना है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू इसको जनरली म्यू बोला जाता है म्यू या कहीं कहीं आर भी लिखा हुआ है तो ये क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा फॉर गिवन कलर एंड पेयर ऑफ मीडिया फोर गिवन कलर एंड पेयर ऑफ मीडिया दिस लॉ इज़ नॉन एज स्नेल्स लॉ कॉन्स्टेंट एन इज़ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इट इज़ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडिया और इसी को हम क्या बोलते हैं रिफ्क्टिव इंडेक्स देखिए साइना ईपोन साइना एन टू ओपन एन वन या एन टू वन वेयर टू इज फॉर सेकंड मीडियम एंड वन इज फॉर द फर्स्ट मीडियम ठीक है एन टू ओपन एन वन का मतलब क्या है एन टू वन लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट हम इसको क्या बोलेंगे एन टू वन लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट ठीक है फर्स्ट से हम डिवाइड कर रहे हैं इसलिए फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ही हम निकालेंगे ठीक है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के एक और फार्मूला देखिए द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर एनजी का मतलब क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर एन तो एन जी अपॉन एन ए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास सी बाई वी सी बाई वी क्या हो गया स्पीड ऑफ लाइट और ये आपको मालूम होना चाहिए थ्री इन टू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मार्जिनली लेस कंपेयर टू दैट इन वैक्यूम रिफ्लेक्टिव ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज गिवन बाय ये फॉर्मूला आपके पास में है ठीक है एन जी अपॉन एन ए अपॉन रिफ्लेक्टिव ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास यहाँ क्या था ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर आपको एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो नीचे आ जाएगा ग्लास के रिस्पेक्ट में तो एन ए अपॉन एन जी तो ये हो जाएगा वी बाय सी ठीक है इस तरीके से आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं एक और इम्पॉर्टेंट है एब्सलूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और ये हो जाएगा एन एम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी बाय वी रिफ्लैक्टिव इंडेक्स वाटर का क्या होगा वन पॉइंट थ्री थ्री और रिफ्क्टिव इंडेक्स ग्लास का वन पॉइंट फाइव टू ठीक है आपको इतना क्लियर होना चाहिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल भी है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के मैं आपको रहूँगा ये नोट्स आप जो है कंप्लीट बना लें रिफ्रेक्टिव इंडेक्स थ्रू रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब इंपॉर्टेंट है ये ओके okay?